वेलकम बैक गाइज टू अवर चैनल। सो आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो है तुर्की के ई वीज़ा। जिसके पास यूके रेसिडेंट है, यूके वीज़ा है, और कोई भी सेंजन कंट्री का वीज़ा है, और यूएसए के वीज़ा है, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो कैसे अप्लाई करना है, ये पूरा का पूरा 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। ये आपकी 10 to 15 मिनट में एप्लीकेशन हो जाती है और वीज़ा भी आ जाते हैं ईमेल पे। तो ये ई वीज़ा है, तो कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताऊंगा, और अभी क्या कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताऊंगा, और जाने के समय कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास वो बताऊंगा। तो पहले आपको करंटली आपके पास होने चाहिए आपका पासपोर्ट, आपका BRP, और आपका जो भी रेसिडेंट ID प्रूफ है उस वो होना चाहिए। और उसके जस्ट कोई अपलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट अभी हमको नाम नंबर डिटेल फिल करने के लिए वो सारी चीज़ें चाहिए। तो आप वो चीज़ें साथ में लेके बैठिएगा तो आपको हेल्प होगी उतना जल्दी फिल करने के लिए। तो हम चालू करते हैं। फर्स्ट हमको कौन से एप्लीकेशन पे जाना है और कैसे करना है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा कि एक गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट है evisa.gov.tr। सो हम उसको अपने गूगल ब्राउज़र में और कभी अपने इंटरनेट ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो हम ऐसे ओपन करते हुए तो हम ये वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। मैं ये वेबसाइट आपको अपनी यूट्यूब के दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप डायरेक्टली क्लिक करके उधर जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं अप्लाई, फर्स्ट ऑप्शन है हमको अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक करना है, उसके बाद पासपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना आ जाता है कि कंट्री रीजन। सो आप कौन सा कंट्री कंट्री से है, बिलोंग करते हैं, बेसिकली आपका पासपोर्ट कौन सी कंट्री का है। सो मेरा इंडियन है तो मैं यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर देता हूँ। तुम्हारा पासपोर्ट कौन सा है? सो बेसिकली नॉर्मल पर्सन के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक करके आगे चलते हैं। सिलेक्ट वेरिफिकेशन, सो हमको यहाँ डाउन वेरिफिकेशन कोड है उसको डालना है बेसिकली। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमको दिखाएगा कि अराइवल डेट इन तुर्की को आपको चूज़ करनी है, कौन सी डेट पे आपको अराइवल करना है। तो मेरे को 15 मार्च को जाना है, तो मैं 15 मार्च चूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे डिटेल आ जाती है, योर ई वीज़ा इज़ वैलिड फ्रॉम 15 मार्च 2024 टू 10 सितंबर 2024 फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 180 डेज़। सो हमारा वीज़ा जो भी इश्यू होगा उसका टाइम पीरियड 180 डेज़ होगा, और वहाँ पे हमारा स्टे जस्ट 30 डेज़ के लिए होगा, कि मैक्सिमम यू स्टे कैन नॉट एक्सेस द 30। हम 37 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, और हमारे वीज़ा फ़ी लगेगी 43 US डॉलर लगेगी। तो वो यूके के पाउंड अराउंड 39 और अराउंड 39 आसपास हो जाता है। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको इतनी फ़ी भरनी है। सो यहाँ पे नीचे दिखाए सारे कार्ड प्रोसेस वो एक्सेप्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे सेव और कंटिन्यू करते हैं। सेव और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप जब तुर्की में एंटर करो तब आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। सो यू मस्ट मीट ऑल रिक्वायरमेंट लिस्ट बिलो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन ई वीज़ा। सो ये बोल रहे कि ई वीज़ा के लिए भी नीचे की डिटेल होनी चाहिए। प्लीज़ कन्फर्म दैट यू मीट दिस क्राइटेरिया बाय क्लिकिंग द बॉक्स नेक्स्ट टू देम। सो हमको ये सारे बॉक्स क्लिक करना है और कन्फर्म करना है उनको कि हम सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। इफ़ यू डोंट नॉट
मीट एनी दिस रिक्वायरमेंट एंड यू प्रोसेस विथ योर एप्लीकेशन, योर ई वीज़ा विल बी इनवैलिड। सो आपके पास यार इसमें से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो आपका वीज़ा इनवैलिड कहा जाएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। एंड जब भी एंटर होते तब माइट भी चेक करेंगे और नहीं भी करेंगे, पर ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ होनी चाहिए आपकी एंट्री के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि अभी ये होनी चाहिए अभी से। पर मोस्टली हम जब अप्लाई करते हैं और 1 मंथ के बाद जाने वाले, तो उस टाइम पे हमें सारी चीज़ें नहीं चाहिए कि होटल बुकिंग नहीं हो तो चलता है, बाद में बुक करवा लेते हैं। सो वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला है पासपोर्ट। माई पासपोर्ट कवर द पीरियड दैट आई विल बी स्टेइंग इन द तुर्की। सो ये लाइन कहती है कि आपको आप पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कि आपका पासपोर्ट एक्सपायरी ना हो रही हो उस टाइम पीरियड में, कि आप यू इस्तांबुल गए और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है उसी टाइम पे, वो नहीं होना चाहिए। आपका पासपोर्ट अब जाके वापस आओ उतना वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आता है आई कैन प्रूव दैट आई होल्ड रिटर्न टिकट होटल रिजर्वेशन एटलीस्ट $50 पर ईच डे फॉर माई स्टे। सो आपके पास कंपलसरी रिटर्न टिकट होनी चाहिए। वो एयरपोर्ट पे चेक करते हैं कि आपके पास रिटर्न टिकट है कि नहीं है जब आप तुर्की में एंटर करते हो तब। तो आप ऑलवेज़ अपना रिटर्न टिकट बुक करवाइएगा, और ऐसा नहीं हो तो आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो आप किसी और कंट्री का एग्ज़िट बता सकते हो कि मैं यहाँ से तुर्की से दूसरी कंट्री इंडिया जा रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहे हो तो आप अपना बता सकते हो कि आप यहाँ से राउंड कई और ट्रिप है, राउंड ट्रिप है दूसरी जगह के साथ, तो आप बता सकते हो कि हम एंटर तुर्की से हो रहे, तुर्की से एग्ज़िट दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो आपको तुर्की के एग्ज़िट बताना है बेसिकली। उसके बाद आपके पास होटल रिजर्वेशन होना चाहिए कि आप जितने दिन स्टे हैं आपकी टिकट तुर्की में उतने दिन का आपका होटल बुकिंग होना चाहिए, और जितने भी दिन आप स्टे करने वाले हो उसके लिए पर डे $15 कॉस्ट होना चाहिए आपके पास। सो आपके पास अकाउंट में आप 5 दिन रुक रहने वाले हो तो आपके पास $250 होने चाहिए आपके अकाउंट में, और आपके स्टेटमेंट में आप जो आप बता सकते हो उनको, और आपके कोई भी कार्ड में होने चाहिए। आई एम ट्रैवलिंग फॉर पर्पज ऑफ टूरिज्म और बिजनेस। सो ई वीज़ा जो हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं, जो दिखा रहा हूँ मैं, वो जस्ट फॉर पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म और बिजनेस, बिजनेस के दोनों में से एक होना चाहिए। सो हम यहाँ पे टूरिज़्म पर्पज़ के लिए मैं गया हूँ, तो वो मैं वही आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आप वही देख लीजिए कि आपको टूरिज़्म प्रोसेस करना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और बिज़नेस के लिए मेरे को नहीं पता, पर टूरिज़्म के लिए यही है क्योंकि मैं इसी पे अप्लाई किया था और इसी पे मैं जाके आया हूँ वापस। सो उसके बाद आता है आई हैव वैलिड सपोर्ट डॉक्यूमेंट, वैलिड वीज़ा और वैलिड रेसिडेंट परमिट फ्रॉम वन ऑफ द शेंजेन कंट्री और USA, UK और आयरलैंड। सो इसमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके पास वैलिड वीज़ा होने चाहिए, कोई भी शेंजेन कंट्रीज में से एक कंट्री का रेसिडेंट परमिट, और USA और UK और आयरलैंड का रेसिडेंट परमिट होना चाहिए। तो जैसे कि जो UK में होते हैं उनके पास एग्जाम्पल तरीके, हमारे पास वो BRP कार्ड है तो हम वही रेसिडेंट परमिट उसको कहते हैं, और उसको हम BRP को यूज़ कर सकते हैं एज अ UK वीज़ा। सो हम वो BRP, मैंने मेरा ये सिचुएशन में मैंने अपना BRP यूज़ किया है, और मेरे को पता नहीं USA में ग्रीन कार्ड और सोशल होता है, आयरलैंड में भी वैसा कुछ BRP जैसा होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है ई वीज़ा आर नॉट एक्सेप्टेड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सो आपको पास ई वीज़ा है ए शेंजेन कंट्रीज USA और UK और आयरलैंड का, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते एज अ प्रूफ ऑफ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए, तो आपको वो रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद वो एयरपोर्ट पे चेक करते हैं, वो इस पर अभी वो एप्लीकेशन में चेक करते हैं कि आपको वो नंबर डालना पड़ता है कि वो वैलिड होता है नहीं होता है। उसके बाद आता है आई कन्फर्म दैट आई मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ द कंडीशंस लिस्टेड अबव, तो वो कहता है कि हम यहाँ पे सारी जो लिस्ट है वो आप
कंप्लीट करते हैं और आप सेटिस्फाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास है। तो आपको सारे पे क्लिक करना है, सारे बॉक्स पे। सारे क्लिक बॉक्स करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सेव एंड कंटिन्यू आता है। जब आप सारे रिक्वायरमेंट फिनिश करते हैं तो आपको वो चीज़ करनी है। उसके बाद आता है यहाँ पे फर्स्ट नेम और गिवन नेम। सो यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट नेम और गिवन नेम लिखा है तो गिवन नेम में क्या नेम ऐड करना है, फादर का नाम ऐड करना है कि नहीं करना। सो मेरा बेसिक और एक्सप्लेनेशन है कि फर्स्ट ऑफ आप अपना पासपोर्ट खोलिएगा, उसमें आपको बताया कि आपका जो गिवन नेम है वो तो पासपोर्ट में क्लियर लिखा है गिवन नेम, उसके बाद नीचे लिखा होगा कि ये गिवन नेम है आपका, तो वो गिवन नेम आपको डालना है इधर। लाइक मेरे गिवन नेम में क्या है कि मेरा नाम है और उसके बाद मेरे फादर का नाम है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे और मेरा फादर का नाम मैं गिवन नेम में डालता हूँ, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम आता है गिवन नेम में, तो मैं वो नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आता है सर नेम, जो आपकी सर नेम है वो डालनी है आपको। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है। बहुत लोग को यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज़न है डेट ऑफ बर्थ में। मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये डायलॉग बॉक्स को चूज़ करके डेट डालिएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सही पिकअप कर लेगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट में जाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम करता है, इसलिए जस्ट चूज़ करो इस बॉक्स को और डेट फिल कर दो। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ। मोस्ट ऑफ डिटेल आपकी पासपोर्ट में है, तो आप अपना पासपोर्ट 100% अपने साथ लेके बैठिए और पिक्चर हो तो ओपन करके रखिएगा और आप एज पर पासपोर्ट फिलिंग करते जाइएगा डिटेल। कोई भी एप्लीकेशन आप वीज़ा की इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर आप एज पर पासपोर्ट डिटेल डालिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कहीं भी एयरपोर्ट पे और कहीं भी। सो प्लेस ऑफ बर्थ आप एज पर पासपोर्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद मदर नेम आता है, तो आपका मदर नेम जो भी हो, फिर उसके बाद फादर का नेम, यहाँ पे लिखा है टाइप योर मदर नेम ऑप्शनल, आपको लिखना है तो लिखने का और नहीं लिखने का तो ठीक है। इफ़ शी हैज़ अ मिडल और सेकेंड नेम, टाइप ऑल द नेम राइट आफ्टर द हर फर्स्ट नेम विद द स्पेस बिटवीन ओनली डैश और डू नो ओनली डैश डॉट अप्रोच एंड कॉमा स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउ। सो आपको डॉट डैश यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो हमें जहाँ से बोला कि सेकंड नेम, तो लाइक माय मदर नेम एंड माय फादर नेम, आफ्टर माय मदर के नेम के बाद फादर का नेम आता है। हमारे रिलीजन में ऐसा ही होता है कि पता नहीं दूसरों में कैसा होता है पर हम ऐसे ही लिखते हैं। सो मेरा मदर नेम एंड उनका मिडिल नेम, माय फादर नेम और उनका मिडिल नेम। उसके बाद हमारा पासपोर्ट नंबर आ जाता है, तो पासपोर्ट नंबर टाइप कर देना है इधर। प्लीज़ टाइप योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर एज अ पर द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर सेकेंड आर विद स्पेस आर नॉट अलाउ। सो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेस अलाउड नहीं है, तो आप टाइप करिएगा स्पेस और कोई भी स्पेस एट द रेट और डैश स्पेस यूज मत कीजिएगा। और फिर से डेट आ रही है पासपोर्ट इश्यू डेट, ऑलवेज यहाँ पे कैलेंडर का शाइन है उसको क्लिक करिएगा, और फिर यहाँ से जो भी ईयर है ईयर चेंज कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर चेंज करने के बाद कोई भी जो मंथ है मंथ चूज़ कर लीजिएगा, मंथ चूज़ वर्क करने के बाद जो भी डेट है वो चूज़ कर लेने का। फिर उसके बाद आता है सेम एक्सपायरी डेट डालनी है उस तरीके से। टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, हमारे पास अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, सो मैं यूके से अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास अभी RP रेसिडेंट परमिट है, तो मैं रेसिडेंट परमिट चूज़ करता हूँ। तो रेसिडेंट परमिट चूज़ करने के बाद समटाइम्स ये डेटा चला जाता है, तो फिर से जस्ट फिलअप कर देना। सो रेसिडेंट परमिट चूज़ कर लिया मैंने, और फिर कौन सी कंट्री का रेसिडेंट परमिट है वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, वो सिलेक्ट करना है मेरे को यहाँ पे, तो मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का है। सो यूनाइटेड किंगडम मैंने चूज़ कर लिया। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नंबर, सो यहाँ पे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के नंबर, सो मैं यहाँ पे BRP है तो मैं BRP नंबर टाइप कर दूँगा कि वो मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद हमारे BRP की कौन सी एक्सपायरी है, तो वो एक्सपायरी यहाँ पे हम टाइप करते हैं कि कौन सी एक्सपायरी है BRP की वो टाइप कर देनी है।
टाइप सॉरी सिलेक्ट कर देना, ईयर चूज़ कर लेना। ईयर चूज़ करने के बाद जो भी साल हो वो चूज़ कर लेने का, ठीक है। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस। मेक श्योर आप अपना ईमेल एड्रेस सही डालिएगा, क्योंकि आपका वीज़ा ईमेल एड्रेस पे ही आता है। तो आप मेक श्योर कि आप सही ईमेल आईडी दो बार चेक कर लीजिएगा, ईमेल आईडी डालना हो तो, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में आपका यूके का फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, आपका यूके का करंट एड्रेस डाल दीजिएगा, और उसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट। उसके बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है कि तुर्की एंट्री कमिटेड एंड इंफॉर्मेशन फॉर्म। सो ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी है, आपको एक दफ़ा पढ़नी हो तो, कि क्या 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 रिक्वायरमेंट है। वीज़ा प्रोवाइडर राइट टू स्टे टूर की लिमिटेड ओनली द ड्यूरेशन ऑफ द वीज़ा। सो आपको लिमिटेड वीज़ा मिलने वाला है, कि आपको जो सिलेक्ट करी हुई डेट तक ही मिलेगा। वीज़ा डोंट नॉट प्रोवाइड ऑब्सोलेट राइट टू एंटर तुर्की। वो सारे राइट ऑब्सोलेट राइट नहीं है आपको तुर्की में एंटर करने के लिए। वो सारी डिटेल यहाँ पे है, बहुत है डीप में, पर हम टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं कि जाकर हम अपना तरीके वापस आ जाएंगे, और हम कोई फ्रॉड तरीके नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद कैंसिल करना है, उसके बाद सेव और कंटिन्यूस करना है। सो यहाँ पे हम सेव सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन आता है कि आपके डिटेल जो फिल करिए आप वेरिफिकेशन कर वेरीफाई करिए। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको आता है कि आपकी से एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाती है। उसके बाद आपको अपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की है उसके ईमेल आईडी पे हम जाके और उसको डबल वेरीफाई करेंगे। सो हमारे ईमेल में आएगा अप्रूवल ऑप्शन आएगा, उसको अप्रूव करना है जो हमने एप्लीकेशन सबमिट की है। सो यहाँ क्या होता है कि हमारा ईमेल डबल वेरीफिक हो जाता है कि ये भाई ईमेल आईडी सब सही है कि जो आपने दिया हुआ है, तो वही ईमेल पे आपको वीज़ा आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपका पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आपका जो भी पेमेंट ऑप्शन है आप चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपने कार्ड से यूके के कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं अपना यूके का कार्ड का पेमेंट सीवीवी कोड और एक्सपायरी कोड डाल देता हूँ। तो क्या करना है हमको, उसके बाद हमको मेकअप पेमेंट करना है, और मेकअप पेमेंट करने पे वो आपका अप्रूवल रिक्वेस्ट होगा आपके बैंक का, तो वो आपके मैसेज आ जाएगा, और आपने ओटीपी चूज़ किया है, ओटीपी डालना जो आपका बैंक का वेरिफिकेशन हो वैसे में था वो आ जाएगा। आपको अपने मोबाइल से उसको वेरीफाई करना है। सो आप जैसे वेरीफाई करोगे उसके बाद कंटिन्यूस दबाना है। उसके बाद कंटिन्यू दबाने बाद वो बताएगा कि योर ई वीज़ा बीइंग प्रोसेस। सो वैसे प्रोसेस हो जाता है, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो कि डाउनलोड ई वीज़ा, और वो आपके ईमेल पे भी आ जाता है ई वीज़ा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अपना ई वीज़ा डाउनलोड कर दिया है डायरेक्टली। सो आप देख सकते हो कि मेरा ई वीज़ा आ गया। ये जो समय आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो आपको 18 और 20 मिनट हो गई है, बट आपको 10 मिनट से आई थिंक ज़्यादा नहीं लगेगा ई वीज़ा के लिए। यहाँ पे मेरे को उसकी पेमेंट की रिसिप्ट भी मिल गई है, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे मैंने अप्लाई किया है स्टेप बाय स्टेप, आप वो भी प्रोसेस फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे मैं समराइज़ करना चाहता हूँ कि आपको कौन से रिक्वायरमेंट है जब आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हो। वो कंपलसरी नहीं है कि आपके चेक करेंगे, पर उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप जब एंट्री करो तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। सो बेसिकली हम समराइज़ करते कि आगे भी हमको एप्लीकेशन के स्टार्ट में भी रिक्वायरमेंट बताई थी और हमने सारी टिक की थी, तो वही रिपीट कर रहा हूँ। एक चीज़ एक्स्ट्रा है वो हम देख लेंगे बात करते हुए। तो हमने बोला था पासपोर्ट का ड्यूरेशन कवर होना चाहिए, रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, सो आपका बुकिंग होना चाहिए सब कुछ, तुर्की एंट्री और तुर्की एक्सिट की टिकट होनी चाहिए, और $50 पर ईच डेज होने चाहिए पर पर्सन। और उसके बाद योर ट्रैवलिंग पर्पस ऑफ शुड बी बिजनेस, आपका ट्रैवलिंग के लिए बिजनेस और
टूरिज्म के लिए जाना जा रहे होने चाहिए। हम यहाँ पे टूरिज्म के लिए ही जाते हैं। डॉक्यूमेंट वैलिड वीज़ा और वैलिड रेसिडेंट परमिट, सो डॉक्यूमेंट वैलिडेशन होना चाहिए जैसे हमने आके बात किया था। ऑल्सो ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है। आप जब भी गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि तुर्की में एंटर करने के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर लीजिएगा, ऑनलाइन से बहुत चीपर आता है। जितने दिन जाना है उतने दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस आप बाय कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको मेक श्योर कि ट्रैवल इंश्योरेंस आप जाने के पहले से अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बुक बाय कर लीजिएगा, सो आपको हेल्पफुल रहेगा। और आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो बताऊँ कि हाउ टू बाय ट्रैवल इंश्योरेंस, प्लीज़ कॉमेंट बिलो। सो मैं एक और छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा कि इंश्योरेंस आप कैसे बाय कर सकते हो और कहाँ पे की चीपर होता है। जहाँ से मैंने बुक किया था मैं आपको उसको वीडियो अपलोड कर सकता हूँ बना के, पर आप रिक्वेस्ट करें तो मैं बनाऊँगा। उसके बाद है वो सारे जाते समय प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिएगा अपने साथ इंश्योरेंस की और वीज़ा की, और अपने साथ ले जाइएगी ओरिजिनल अपना रेसिडेंट प्रूफ, BRP, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट वैलिड वीज़ा और वैलिड रेसिडेंट परमिट दिया है और एप्लीकेशन के टाइम वो ले जाइएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको ये अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ जिसको तुर्की वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एप्लीकेशन हाउ टू डू दोज आर वीडियो, वो मेरे सारे चैनल पे है, तो आप देख सकते हैं कि UK में आके उसके बाद कौन से स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट रहती है कि एल चार्ज, NI नंबर, GP रजिस्ट्रेशन, सारे रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। सो थैंक यू अगेन, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।